प्लीज डाउनलोड एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को। तो आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया। हमारा आज का पवित्र वचन है, सोए ना रहे। जैसे कि एक राजाओं 3 अध्याय उसके 21-22 आयत में लिखा, भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखो, आप ऐसे नहीं जी सकते हैं जैसे अन्य जाति लोग जीते हैं। उनकी तरह रात को 9 बजे सोकर सुबह 10 बजे नहीं उठ सकते। अगर आप मसीह होकर ऐसा कर रहे हैं तो आप मुसीबत में हैं। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में एक राजाओं के 3 अध्याय की 21 आयत से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक औरत सुलेमान राजा के पास आई तो उसने कहा, जब मैं रात को सोकर उठी तो मेरा बच्चा मरा हुआ निकला। क्यों? क्योंकि वो कहने लगी कि मेरे साथ वाली औरत ने अपना मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में डालकर मेरा जीवित बच्चा उठा लिया है। मेरे प्रियो, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो कैसी माँ थी जो सारी रात बच्चे को देखने के लिए उठी नहीं। आप जानते हैं कि जब एक माँ का बच्चा उसका दूध पीता है तो वो 2-2 घंटे के बाद उठकर उसको दूध पिलाती है। अगर दूध पीने के लिए नहीं भी उठा तो वो रोएगा। एक माँ को पता है या वो जानती है कि वो 8 घंटे की नींद नहीं ले सकती अगर वो अकेली उस बच्चे को संभालती है। तो ये कैसी माँ थी जो सारी रात गहरी नींद सोई रही और सुबह उसका बच्चा बदला था इतनी गहरी नींद। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार एक विश्वासी इतनी गहरी नींद सोएगा तो उसकी मंजिल, उसका जीवित कारोबार या व्यापार मुर्दा कारोबार में बदल दिया जाएगा। उसकी सेहत बीमारियों से, उसके अच्छे बच्चे को बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। उसका व्यापार नीचे जाते देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब रात को शैतान बड़ा चालाक बनकर घूम रहा होगा कि मैं किसको मारूं या फाड़ खाऊं, किसकी जीवित चीजों को मुर्दा में बदल दूं। उस समय अगर एक विश्वासी खराटे मारकर सो रहा है तो इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि 2012 में तो मेरा कारोबार बहुत आशीषित था, 2013 में पता नहीं क्या हो गया। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि जादू टोना करने वाले बाबे या लोग रात को जागते हैं। रात को डर लगता है लोगों को, दिन को क्यों नहीं लगता? अगर आप बाइबल में पढ़ें तो यीशु मसीह ने चेलों को चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना की, लेकिन आज का विश्वासी रात को सोता है और फिर कहता है कि मेरे जीवन में मुर्दापन क्यों है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप जानते हैं कि आपके जीवन में मुर्दापन ना रहे, बीमारियां ना रहे, तो रात को प्रार्थना करने वाले विश्वासी बने। याद रखें, शैतान रोकेगा आपको रात को प्रार्थना करने से। वो आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप चाहे या ना चाहे, आपका दिल करे या ना करे, तब भी आपको प्रार्थना करनी है। उस औरत की तरह सारी रात सोना नहीं है। जब आप रात को प्रार्थना करेंगे तो शैतान को अपने जीवन से भागता पाओगे और परमेश्वर आपको ऊंचा और आशीषित करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। अंगीकार, यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं रात को सोऊंगी नहीं, बल्कि प्रार्थना में समय बिताऊंगी और अपनी आशीष को पाऊंगी और शैतान की योजना को नाश करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आमीन। आमीन।